मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, मुरादाबाद वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। ये दोनों सीटें भाजपा को जितानी है या नहीं जितानी है, 400 पार जाना है या नहीं जाना है, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, अंत तक तीनों पेंडालों में हाथ उठाइए जरा। विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की जय, श्री राम जय, जय श्री राम। मंच पर उपस्थित सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भूपेंद्र चौधरी जी, श्री रमेश विधुड़ी जी, श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, श्री सुभाष यदुवंशी जी, श्री सत्यपाल सैनी जी, बहन गुलाब देवी जी, श्री राजेश सिंगल जी, राजेश यादव जी, श्री हेमंत राजपूत जी, आकाश पाल जी, श्री संजय शर्मा जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, ऐसे हमारे दोनों प्रत्याशी आगे आइए, कुंवर सर्वेश कुमार सिंह जी और परमेश्वर लाल सैनी जी। और आज मुरादाबाद में इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं इस पीतल नगरी में रामगंगा और प्राचीन सिद्धपीठ काली माता को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं जानता हूं मुरादाबाद के लोग 5 साल तक बहुत परेशान रहे हैं, रहे या नहीं रहे भाई? अरे बोलो तो, रहे हो या नहीं रहे हो? मगर इस बार रैली देखकर कहने चाहता हूं, ठाकुर सर्वेश सिंह का विजय, भव्य विजय निश्चित है। परमेश्वर लाल जी का विजय भी बड़े मार्जिन से निश्चित है। भाई और बहनों, 2014 और 19 दोनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उसका सबसे बड़ा कारण मेरा उत्तर प्रदेश है, सबसे बड़ा कारण उत्तर प्रदेश है। 2014 में 73 सीटें और 19 में 65 सीटें दी, और इसी के कारण मोदी जी पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बने। मगर इस बार तीसरी बार बनाना है, ना 73 चलेगी ना 65 चलेगी, इस बार 80 की 80 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में जाएं। हमारे गुजरात में कहते हैं, भूत के लक्षण पालने में से पहला चुनाव कहां है भाई, बताओ तो जरा, पहला चुनाव कहां है? अबे पश्चिम वाले जैसा करेंगे ऐसा पूरा उत्तर प्रदेश करेगा, ठीक है ना? तो पश्चिम वालों ने बरोबर आगे बढ़ना है क्या? जरा जोर से बोलो, बढ़ना है क्या? मित्रों, आने वाले दिनों में एक एक घर से एक एक युवा, एक एक माता बहन भाई, किसान दलित मजदूर पिछड़ा, सभी निकलकर कमल के निशान पर बटन दबाने का ये चुनाव है। भाई और बहनों, ये
चुनाव में आप ठाकुर सर्वेश सिंह को वोट दोगे, परमेश्वर लाल सैनी को जो वोट दोगे, कमल के निशान पर जो बटन दबाओगे वो वोट सीधा नरेंद्र मोदी को मिलने वाला है। यहां ठाकुर सर्वेश सिंह को वोट दिया, वहां मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो, मोदी जी ने 10 साल में देश की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर पर से 5वें नंबर पर लाया। अब आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, मोदी गारंटी है कि इस बार तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था नरेंद्र मोदी जी बना देंगे। अभी मोदी जी ने 1 लाख करोड़पति लखपति दीदी बनाए हैं, 1 लाख गरीब बहनों को लखपति बनाया है, 1 करोड़। अगर तीसरी बार बने तो 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम मोदी जी पूरा कर देंगे। भाई और बहनों, आपने 2 बार मोदी जी को चुन कर दिया। मैं आज कहने आया हूं, मोदी जी ने सारे वादे पूरे कर दिए, सारे वादे। कभी हमारा मजाक उड़ाते थे, ए राहुल बाबा, के मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे, उड़ाते थे ना मजाक। मैंने बहुत मजाक सहन किया 14 से 19। 19 में मोदी जी ने आपको प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में कोर्ट का जजमेंट भी आ गया, अयोध्या में भूमि पूजन भी हो गया और 22 जनवरी को रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया। भाई और बहनों, 500 साल के बाद रामलल्ला टेंट की जगह अपने बड़े मंदिर के अंदर अपना जन्मदिन मनाने वाले हैं। इस रामनवमी को रामलल्ला का जन्मदिन अयोध्या के मंदिर में बनेगा। भाई और बहनों, मुझे बताओ मुरादाबाद वालों, ये मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? ये सपा, बसपा, कांग्रेस, ये तीनों लोग मंदिर का विरोध करते रहे। मोदी जी ने बना भी दिया, प्राण प्रतिष्ठा भी कर दिया। और आगे मैं बताना चाहता हूं, इनको निमंत्रण भेजा गया 22 जनवरी का, वो प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित भी नहीं हुए, क्योंकि उनको अपनी वोट बैंक का डर लगता है, अपनी वोट बैंक का डर लगता है। भाई और बहनों, मैं आज मुरादाबाद वालों को कहने आया हूं, जिन्होंने सालों तक ये मंदिर को बनने नहीं दिया, उनमें इतनी नैतिक हिम्मत भी नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठा के वक्त मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित रह जाए। चिंता मत करिए, उनको जो करना है वो करे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। सिर्फ राम मंदिर नहीं, बाबा विश्वनाथ का दरबार भी सजाया, महाकाल लोक भी बना, बद्री धाम केदार धाम पुनर्जीवित हुए और सोमनाथ का मंदिर भी सोना का बनाने का काम अभी चल रहा है। 5 साल में, 10 साल में मोदी जी ने हमारे सभी सांस्कृतिक मान बिंदुओं की रक्षा करने का काम किया है। भाई और बहनों, मुरादाबाद वालों, मुझे बताओ कि कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अंत तक बोलो, जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? एक कांग्रेस के खड़गे जी कहते हैं, राजस्थान उत्तर प्रदेश वालों का कश्मीर से क्या लेन देन है? खड़गे साहब, आपको मालूम नहीं है,
मुरादाबाद का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार। भाई और बहनों मुझे बताओ, ये धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? जोर से बोलो, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? 70 साल तक ये कांग्रेस पार्टी धारा 370 को अनौरस बच्चे की तरह अपनी गोदी में खिलाती रही। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया। और ये जा कश्मीर शांत से अपना तिरंगा वहां लहरा रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर हमेशा के लिए भारत के साथ जुड़ गया है। भाई और बहनों, मोदी जी ने इस 10 साल के अंदर इस देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने का, आपको याद होगा 10 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, पाकिस्तान से हर रोज आलिया मालिया जमालिया आते थे और बम धमाके कर चले जाते, किसी के माथे पर जू नहीं रहेंगी। मोदी जी आए, उन्होंने फिर से गलती करी, उरी और पुलवामा में धमाका किया, मगर वो भूल गए कि मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, मोदी जी ने देश को समृद्ध किया है, मोदी जी ने गरीबों का कल्याण करने का काम करा है। देश के अंदर 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों को हर महीना प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त देने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। 12 करोड़ शौचालय बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपना घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 10 करोड़ से ज्यादा माताओं को उज्ज्वला का गैस देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है और 14 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई और बहनों, मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के लिए भी बहुत किया है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं 2013 में आया था, हमारे भूपेंद्र भाई उस वक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष थे। यहां पर डर, दंगे, गौ तस्करी और गुंडों का राज चलता था। आपने समाजवादी पार्टी को हटाया और यहां पर डर, गुंडे, गौ तस्कर की जगह वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का काम चालू हुआ और विकास आगे बढ़ा। ये उत्तर प्रदेश से हिंदू पलायन कर रहा था, पश्चिमी यूपी से केरला से पलायन कर रहा था। आज देखिए, आपने सपा को हटाया, हिंदुओं की जगह गुंडे पलायन कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने इस 7 साल के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था को चौक चौबंद करने का काम योगी जी ने किया है, उत्तर प्रदेश को सुरक्षित किया है। यहां से पलायन खत्म हो गया, माफिया राज खत्म हो गया, गौ तस्करी खत्म हो गई और मोदी जी ने 4 एयरपोर्ट देने का काम उत्तर प्रदेश में किया, 6 एक्सप्रेसवे दिए और 6 बन रहे हैं, 12 एक्सप्रेसवे दिए, 80 लाख ग्रामीण घरों में
बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, 3,40,00,000 गरीबों का 5,00,000 तक का सारा इलाज करने का काम किया, 2,35,00,000 शौचालय 10 साल में बने और 14,00,00,000 लाभार्थियों को मुफ्त अनाज देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी जी ने उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम, और अगर फिर से मुझे मालूम है दूर दूर तक संभावना नहीं है, मगर फिर से सपा आएगी तो कहते हैं, कांग्रेस और सपा वाले कहते हैं हम ट्रिपल तलाक फिर से ला देंगे। भाई ट्रिपल तलाक फिर से लाना है क्या? जोर से बोलो, लाना है क्या? वो धारा 370 हटाने का कह रहे हैं, 370 फिर से चाहिए क्या? वो जातियों में उत्तर प्रदेश को फिर से बांटेंगे, उत्तर प्रदेश को जातियों में टुकड़ा टुकड़ा करने का काम करेंगे। भाई और बहनों, मोदी जी अकेले हैं जो देश को एक रख सके। मोदी जी ने 4 जातियों में पूरे देश को बांटा है, महिला, युवा, किसान और गरीब, 4 ही जातियों में पूरे देश को बांटकर सबका विकास करने का काम किया है। एक गन्ना के प्रदेश के अंदर गन्ने के लिए भी मोदी जी ने ढेर सारा काम करा है, गन्ने की FRP बढ़ाई 210 प्रति क्विंटल से 340 प्रति क्विंटल की, भुगतान 23,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,50,000 करोड़ किया, और नई चीनी मिले 20 से अधिक चीनी मिले चालू करी और 5 चीनी मिले नई बनाने का काम मोदी जी ने किया है। भाई और बहनों, यहां ज्यादा समय बिगाड़ने की, आपका ज्यादा समय बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है यहां पर कमल खिलने वाला है, मगर मैं आपको एक बात पूछने आया हूं भाई। सर्वेश ठाकुर को 2,00,000 से ज्यादा वोट से जिताना है तो क्या इतने पेंडाल में जो 30,000-40,000 लोग है 2,00,000 से ज्यादा वोट से जीत जाएंगे क्या? अरे यार नहीं जीतते, मैं भी बनिया हूं, हिसाब जानता हूं यार, नहीं जीतते भाई, नहीं जीतते। बोलो, मैं एक आइडिया बताऊं आपको, एक आइडिया बताऊं, करोगे तो बताऊं, करोगे? सभी लोग हाथ ऊपर करो, करोगे? पक्का करोगे? मेरी सभा समाप्त होने के बाद हर एक व्यक्ति ने 50-50 फोन उत्तर प्रदेश में करने हैं कि कमल के फूल पर बटन दबाकर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। कर सकेंगे? 50-50 फोन करना है। देखिए, माँ को, बाप को, भाई को, भाभी को, बुआ को, फूफा को, मामा को, मामी को, बहन को, बहनोई को 50 फोन करने हैं। करेंगे? पक्का करेंगे? हमारे आगे आओ भाई, दोनों लोग आ गया। परमेश्वर लाल जी और सर्वेश ठाकुर को जिताएंगे, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे, 400 पार कराएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो मुरादाबाद से अमित शाह को अभी आप लाइव सुन रहे थे, जनसभा को संबोधित उन्होंने किया, और दूसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर कैराना से भी आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर पहुंच चुके हैं प्रचार करने के लिए और मंच पर इस वक्त मौजूद हैं। भव्य तस्वीर मंच की इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, दोनों जगहों पर जो कार्यक्रम चल रहा है,
और ये अमित शाह आपने देखा अभी अभी मुरादाबाद में उन्होंने जनसभा को